हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 3.1। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सपोज करो ये कोई कॉपर का वायर है, ठीक है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है आपको, ए इक्वल टू दे रखा है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, और इस कॉपर वायर में करंट कितना फ्लो रहा है, 1. जैसे आई इक्वल टू कितना दे रखा है, 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, तो मैं अगर आपसे यह पूछूं कि इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना है, तो आप बोलोगे कि सर हमें इतना पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, तो आपको मास चाहिए, तो मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मास इक्वल टू कितने, मैं ये पूछ रहा हूं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम इक्वल टू 1 और डेंसिटी आप हमें बता दो, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर की दे रखी है 9 × 10�³ है ना, और वॉल्यूम कितना है 1। ठीक है, तो मास कितना हो गया, मास इक्वल टू हो गया 9 × 10�³ kg हो गया। मतलब कॉपर का कोई ये वायर है और इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना है, 9 × 10�³ kg मास है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि 9 × 10�³ kg मास में कितने कॉपर के एटम होंगे, तो आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो नंबर 63 इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना, 63.5 होता है। ठीक है, तो 63.5 ग्राम में कितने होंगे, अवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁷ एटम्स होंगे। क्लियर हो गए, तो इसको मैं रफली ये 6 × 10�³ 23 लिख दूं एटम्स। क्लियर, 6 × 10�³ 23। ठीक है ना, तो आपको कितना चाहिए सर, 9 × 10�³ kg में चाहिए ना, तो आप एक काम करो इसको 1 ग्राम में कर लो, 1 ग्राम इक्वल्स टू 6 × 10⁰³ डिवाइड बाई 63.5 ग्राम में। ठीक है ना, और एक काम करो इसको ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, 0.0635 केजी में कितने होंगे, इतने होंगे। ठीक है, तो 1 केजी में कितने होंगे, 1 केजी में होंगे इतने 0.0635 ये होंगे। क्लियर, ठीक है, तो आपको कितना चाहिए, 9 × 10�³ केजी में होंगे इक्वल टू होगा 6 × 10⁰³ अपॉन 0.0635 × 9 × 10�³। समझ में आएगा, इतने एटम्स होंगे। क्लियर हो, ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछू कि कॉपर के एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर कॉपर के एटम में 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन कह रहा है, देखो एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब 29 इलेक्ट्रॉन है ना, 29 इलेक्ट्रॉन, उनमें रफली 1 जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब रफली 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जिस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन किसे बोलेंगे, जैसे ये कॉपर वायर है तो उसमें जैसे 29 ही वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेटली हर एटम का 1 इलेक्ट्रॉन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट फ्लो करने में। यहां तक मेरे पास समझ में आ गई। ठीक है, तो आपको पता है 9 × 10�³ केजी में कितने एटम्स हैं, ये ठीक है, तो इसके अगर इसे 29 × 29 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, लेकिन मेरे को कितना चाहिए, ओनली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। समझ में आया, ठीक है, तो अगर देखो एक चीज होती है n होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये हो गए ना, अब इसको सोल्व करोगे, आप इसको सोल्व करना, ठीक है, तो आपके पास में आ जाएंगे 8.5 × 10⁸, देखो कितना है इसका, सोल्व करो, 8.5 पर मीटर क्यूब ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर हो गए, यहां तक मेरे बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दूं, ठीक है ना, अब एक बात याद रखना, दो फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, अगर ये कोई कॉपर का वायर है, मतलब कोई भी वायर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर करंट चाहिए, इसमें करंट कितना फ्लो रहा है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, एन क्यू
क्यू वी डी इंटू ए, क्लियर? ठीक है, अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो एक ये भी याद रखना, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, नहीं सॉरी, आई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर, ये वाला, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, क्लियर? ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए यहां पे, ड्रिफ्ट कम क्या निकालना है, देखो एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड चाहिए, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड चाहिए, तो वीडी इक्वल टू क्या हो गया, वीडी इक्वल टू हो गया आई अपॉन एन क्यू मैं इंटू एरिया, क्लियर हो गया? ठीक है ना, अब इसमें वैल्यूज पुट करो, ठीक है, वीडी इक्वल टू, वीडी इक्वल टू आई, करंट कितना है 1.5, 1.5 डिवाइड बाय n, n तो ये निकला आपके पास में 8.5 इंटू 10 टू पावर 28, क्लियर? और क्यों, देखो अब इसमें ये चार्ज है, ठीक है, मतलब चार्ज कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है, और एरिया कितना दे रखा है इसका इंटू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, क्लियर? ठीक है, तो वीडी अगर इसको सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.1 एमएम पर सेकंड, मतलब देखो एमएम मतलब बहुत कम स्पीड होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है ना, और देखो अब इसमें एक ये भी आ सकता है, आगे क्वेश्चन में भी दे रखा है कि अगर जैसे इतनी ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है तो जैसे अपन जैसे फैन वगैरह ऑन करते हैं तो तुरंत क्यों चालू हो जाता है, देखो हमेशा याद रखना कि जो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो जैसे आपकी पावर ग्रिड से बिजली आ रही है, ठीक है, तो वहां का इलेक्ट्रॉन यहां थोड़ी आएगा, मतलब ये तो एसी होता है, तो एसी में तो ऐसा होता है, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है कि तुरंत 10 टू पावर, देखो आगे क्वेश्चन में बताएंगे, मतलब तुरंत पहुंच जाता है, ठीक है, तो वो वहां के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, ड्रिफ्ट स्पीड से कर देगा, इसीलिए वो फास्ट होता है, क्लियर? ठीक है, अब यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, अब क्या कर रहा है ये क्लियर होगा, इसको रब कर रहा हूं मैं, ना सेकंड कह रहा है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेनड अबो विद द थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब ये कॉपर वायर है, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे एटम्स होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा वाइब्रेट करते हैं ना टेम्परेचर के कारण, ठीक है, तो देखो उसका थर्मल क्या थर्मल स्पीड निकालिए, तो ये याद रखना हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू होता है 3/2 के बी टी, ठीक है, तो देखो इससे अगर वी निकालोगे ना आप, अगर इससे वी निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 2 × 10^2 मीटर पर सेकंड आएगा, क्लियर? ठीक है, तो ये देखो इसकी स्पीड और इसकी थर्मल स्पीड कंपेयर करो, ठीक है, तो थर्मल स्पीड वेरी इससे उससे लार्ज है, समझ में आया, और स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉज द ड्रिफ्ट मोशन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसे स्पीड ऑफ वेव से चलेगा, ठीक है, तो वो कितनी होती है, देखो 3 × 10^2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड, इसी कारण तो जैसे देखो मान लो मैंने जैसे बल्ब ऑन किया तो 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रिकल फील्ड इस वायर में हो गया, ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उसमें ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगी सब में, क्लियर हो? ठीक है दोस्तों।